लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट 3 ऑन द रियल लाइन. स्क्वायर रूट 3 को रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करना है. लेट्स सी हाउ वी कैन रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर ऑन रियल लाइन. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक लाइन ड्रॉ करना है विच इज कॉल्ड रियल लाइन. यहां से मैंने सॉलिड लाइन ड्रॉ करी है तो इसको इस साइड डॉटेड प्रोड्यूस करेंगे फॉर कन्वीनियंस. अब इस पॉइंट से ये लाइन स्टार्ट हो रही है, लेट्स से दिस पॉइंट ओ. अब यहां से 1 सेंटीमीटर मार्क करना है हमें, 0 से 1. ये 1 सेंटीमीटर हो गया, दिस इज 1 सेंटीमीटर. अब इस पॉइंट पे, लेट्स से दिस पॉइंट ए, इस पॉइंट पर हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है. 90 डिग्री का एंगल विद द हेल्प ऑफ कंपास कैसे बना सकते हैं हम? कंपास को ओपन करना है विद एनी रेडियस एंड देन कंपास की नीडल को पॉइंट ए पर रखेंगे एंड एक आर्क लगाएंगे. ये सेमी सर्कल बन गया. अब विद द सेम रेडियस कंपास की नीडल को यहां पर रखेंगे इस आर्क एंड लाइन की इंटरसेक्शन पर एंड एक आर्क और लगा देंगे. सिमिलरली विद द सेम रेडियस अब यहां पर इस आर्क एंड इस आर्क की इंटरसेक्शन पर कंपास की नीडल को रखेंगे, एक और आर्क का मार्क करेंगे एंड देन विद द सेम रेडियस इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से यहां तक चेक करेंगे कि क्या ये दोनों आर्क्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं. अगर कर रही हैं देन हमने यहां तक कंस्ट्रक्शन बिल्कुल करेक्ट करी है. अब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर कंपास की नीडल रखेंगे एंड ये आर्क मार्क करेंगे. अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पॉइंट को एंड इस ए पॉइंट को ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ रूलर. जैसे हमने ओ पॉइंट से ए तक 1 सेंटीमीटर मार्क किया है, सिमिलरली अपवर्ड 1 सेंटीमीटर मार्क करेंगे. ये 1 एंड 0, यहां तक 1 सेंटीमीटर हो गया, दिस इज 1 सेंटीमीटर. लेट्स से दिस पॉइंट बी, अ पॉइंट बी एंड ओ को ज्वाइन करेंगे. इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए इस लाइन को प्रोड्यूस करेंगे. इसको प्रोड्यूस क्यों किया? बिकॉज अब इस पॉइंट बी पर हमें अगेन 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है. अब सेम जैसे यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाया था, वैसे ही बी पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे. कंपास को ओपन करेंगे विद एनी रेडियस, यहां पर सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे एंड देन विद द सेम रेडियस इस पॉइंट पर रखा कंपास नीडल को एंड एक आर्क लगाई. विद द सेम रेडियस दूसरी आर्क. अब यहां से चेक करना है कि ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं. यहां पर कर रहे हैं, देन हमारी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सही है. अब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक आर्क लगाएंगे एंड दूसरी आर्क इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लगाएंगे. अब ये जो दोनों आर्क्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एंड पॉइंट बी, इनको ज्वाइन करेंगे, ये बना 90 डिग्री का एंगल एट पॉइंट बी. अब हम इस बी पॉइंट से अगेन 1 सेंटीमीटर मार्क लगाएंगे 1 से 0 तक, 1 सेंटीमीटर हो गया, तो ये रहा 1 सेंटीमीटर. लेट्स से दिस पॉइंट सी. अब इस सी पॉइंट को एंड ओ पॉइंट को दोनों को ज्वाइन करेंगे. अब लास्ट अप क्या होगा, ओ पॉइंट पे रखेंगे कंपास नीडल एंड ओ सी रेडियस लेकर एक आर्क लगाएंगे. इस रियल लाइन को जिस पॉइंट पर ये आर्क कट करेगी, लेट्स से दिस पॉइंट डी, ये पॉइंट स्क्वायर रूट 3 को रिप्रेजेंट करेगा एंड हमें स्क्वायर रूट 3 को रियल लाइन पर रिप्रेजेंट ही करना था. अब मैं आपको इसके पीछे की थोड़ी सी थ्योरी बताती हूं कि हमें कैसे पता चलता है कि ये पॉइंट स्क्वायर रूट 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब देखो, ये हमने 1 सेंटीमीटर लिया था एंड ये भी 1 सेंटीमीटर, यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाया था. अगर इस ओ ए बी इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस अप्लाई करें, 90 डिग्री के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूस होता है
एंड हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, राइट। यहां पर बेस कितना है 1 सेंटीमीटर, तो 1 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 1 सेंटीमीटर, सो 1 स्क्वायर। 1 1 1 + 1 1 1 इक्वल्स टू 2। अब यहां से एच स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 2, तो एच किसके इक्वल आएगा, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो एच इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2। यहां से हम बोल सकते हैं कि ये जो हाइपोटेन्यूज है ये स्क्वायर रूट 2 है। अब इन ट्राइंगल ओ बी सी, यहां पर भी हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है एंड इसको भी 1 सेंटीमीटर मार्क किया है। अब यहां पर इस ट्रायंगल के लिए 90 डिग्री के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है स्क्वायर रूट 2, परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर। जब इसमें हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। देखो यहां पर बेस चाहे पहले लिख लो चाहे बाद में लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। तो इसके लिए हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 1 है 1 स्क्वायर प्लस बेस कितना है स्क्वायर रूट 2 इसका स्क्वायर। यहां से एच स्क्वायर इक्वल्स टू 1 स्क्वायर 1 ही रह जाएगा प्लस ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा बचेगा अकेला 2 इक्वल्स टू 1 + 2 = 3। एच स्क्वायर इक्वल्स टू 3 टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो एच की वैल्यू क्या आ गई स्क्वायर रूट 3। अब ये जो लाइन है इस ट्रायंगल के लिए हाइपोटेन्यूज ये स्क्वायर रूट 3 है तो स्क्वायर रूट 3 रेडियस लेकर हमने एक आर्क लगाई है तो ये भी तो इतना स्क्वायर रूट 3 होगा। एक रेडियस लेकर अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो पूरा सर्कल सेम रेडियस के साथ ही होगा। अगर यहां से यहां तक स्क्वायर रूट 3 कंपास ओपन करके हमने ये आर्क लगाई है तो यहां से यहां तक भी डिस्टेंस स्क्वायर रूट 3 ही होगा। दैट्स वाई ये पॉइंट स्क्वायर रूट 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको एग्जाम में कंस्ट्रक्शन करनी होती है और जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वैसे वैसे पॉइंट्स लिख सकते हैं। ये जो मैंने आपको बताया है ये मैथमेटिकल वेरिफिकेशन होती है, वो तो क्वेश्चन में आपसे पूछी नहीं है बट नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए।